हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपिका मॉम कॉर्नर। आज हम जानने वाले हैं कि घर पर ही हम पांच तरह की खिचड़ी बच्चों के लिए कैसे बना सकते हैं। सेम खिचड़ी अगर आप बच्चों को दोबारा से देंगी तो बच्चा वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। टेस्ट और न्यूट्रिशन को बैलेंस करके जो डाइट बनती है वो होती है हेल्दी डाइट। तो बच्चों के लिए हेल्दी डाइट बनाना तो हमारा काम ही है, ताकि बच्चों को टेस्टी भी लगे, हेल्दी भी रखे, माँ भी खुश, बच्चे भी खुश। तो आइए जानते हैं कि हम हेल्दी खिचड़ी कैसे बना सकते हैं पांच तरह से। सबसे पहला है मूंग दाल की खिचड़ी। मूंग दाल और चावल, मैं यहाँ पे जितने भी खिचड़ी बता रही हूँ इसमें चावल के साथ आपको दालें ऐड करना है और कुकर में विसिल लगाकर बनाना है। तो सबसे पहला है मूंग दाल की खिचड़ी, उसके लिए आपको चाहिए मूंग दाल और चावल सेम मात्रा में लीजिए और घी का यूज़ कीजिए। घी में जीरा, हींग, आप चाहे तो टमाटर डाल सकते हैं, थोड़ा सा प्याज डाल सकते हैं, और साथ में मूंग दाल और चावल डालिए और करीबन चार विसिल लीजिए तो आपका जो खिचड़ी है बनकर तैयार है। आप सेकेंड रेसिपी है वेजिटेबल खिचड़ी। इसके लिए आप क्या लेंगे, चावल लेंगे, साथ में वेजिटेबल्स लेंगे। वेजिटेबल्स आप ऑनियन, आलू, गाजर, ये सब चीज़ें, मटर, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, इससे बच्चे का पेट खराब हो सकता है। तो चार से पांच सब्जियां आप ले लीजिए, बारीक बारीक काट लीजिए और चावल के साथ आप ये वेजिटेबल्स डालकर विसिल लगा दीजिए। हींग और जीरा का ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा, साथ ही इसे घी में पकाइएगा, ना कि तेल में। पालक खिचड़ी भी आप बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत कलरफुल होती है, ग्रीन कलर की, क्योंकि बच्चा बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा तो ये ज़रूर से खाएगा। इसके लिए आपको पालक को हल्का सा बॉईल करना है, उसके बाद इसे मिक्सी में पीस लीजिए और घी में आपको उसको फ्राई करना है। इसके बाद राइस डालकर आप विसिल लगा दीजिए। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, पालक रेसिपी ज़रूर से खाइएगा, ये आप भी खा सकते हैं और अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। फोर्थ जो खिचड़ी होती है वो दलिया खिचड़ी। हम सबके घर में बनती है, कई लोग को पसंद आती है, कई लोग को पसंद नहीं आती, बट अगर आप बच्चों को बचपन से खिलाएंगे तो बच्चों को ज़रूर से पसंद आएगी। दलिया को एक है कि इसे घी के साथ बहुत ज़्यादा भूनना है। इसके पहले तक मैंने जो खिचड़ी बताई है वो आसानी से बनकर तैयार हो जाती है, बट दलिया को आपको घी में कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से भूनना है। और साथ में इसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं या ऐसे ही सिंपल दलिया भी बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। और इसका विसिल ज़्यादा लगता है, जो हमारी नॉर्मल खिचड़ी है 3 विसिल 4 विसिल में पक जाती है, बट दलिया को 6 विसिल लगते हैं। तो 6 विसिल के बाद आप दलिया बच्चों को खिलाएं, बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, बहुत ज़्यादा है रेसिपी। पांचवी रेसिपी है अरहर दाल और चावल की रेसिपी। अरहर दाल हमारे घर में, हम सब के घर में रोज़ बनती है। दाल और चावल को आप भिगोकर रख दीजिए, उसके बाद जस्ट आपको घी लेना है, उसमें हींग, जीरा और ये दोनों डाल दीजिए और उसको अच्छे से फ्राई कीजिए और चावल जितना लिए उसका डबल पानी डालिए और विसिल लगा दीजिए। 3 से 4 विसिल में आपका खिचड़ी बनकर तैयार है। मैंने जो भी रेसिपीज आपको बताई है उसमें आपने एक बात ज़रूर से नोटिस की होगी कि मैंने घी, हींग और जीरा का यूज़ करना बताया है। सारे इसमें ये तीन चीज़ें कॉमन हैं, तो अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर भी आपको यही बोलेगा, हींग बच्चे को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी, जीरा का भी सेम वही काम है, और घी बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ कॉम्बिनेशन में जब कोई खिचड़ी या कुछ चीज़ बनती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है और न्यूट्रिशनिस्ट भी होती है। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी। इसे ज़रूर से अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय, टेक